हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपा बावने अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक मिरर का नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, एक 1 इंच का मैंने एक रिंग लिया है, उसमें मैंने 2 कोट ब्लू कलर के अटैच किए हैं। देखिए किस तरह से अटैच करते हैं कोट को। यहाँ पर मैंने सिंगल कोट 3 मीटर का लिया है, ऐसे ही 2 कोट मैंने यहाँ पर रिंग में डाले हैं। अब हमें 2 कोट से हमें सिंपल सा नोट लगाना है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें एक कोट लेकर फिर इसमें हमें किस तरह से कोट को अटैच करना है। देखिए, नीचे से कोट को लेते हुए फिर हमें कोट को बाहर निकालना है और अटैच करना है, और फिर हमें पाइपिंग करना है। ऐसे ही हमें यहाँ पर 3 कोट अटैच करना है। देखिए, ये 2 कोट हमने अटैच कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 3 कोट अटैच कर लिए हैं। अब देखिए, हमें दूसरे साइड भी इसी तरह से 3 कोट अटैच करना है। अब हमें दोनों भाग में डिवाइड करते हुए फिर से हमें फर्स्ट ऊपर का कोट लेते हुए फिर हमें पाइपिंग करना है। फर्स्ट कोट लेकर हमें एक कोट को 2 बार पाइपिंग करना है। ऐसे ही हमें सारे कोट से इसी तरह पाइपिंग करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप पाइपिंग करते जाए। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लाइन पाइपिंग कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड लाइन में भी पाइपिंग हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हमें पाइपिंग करते हुए लास्ट कोट तक पाइपिंग करना है। हमें सारे कोट से इसी तरह से पाइपिंग करते हुए डिजाइन को कंप्लीट करना है। अब देखिए, यहाँ पर डिजाइन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से दोनों साइड हमें सेम डिजाइन बनाना है। अब देखिए, फिर से हमें दोनों कोट को लेते हुए पाइपिंग करना है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कोट लेकर हमें एक कोट से 2 बार पाइपिंग करना है। उसके बाद उसी कोट को हमें फिर 2 कोट को लेते हुए एक कोट से फिर पाइपिंग करना है। ऐसे ही हमें एक एक कोट को लेते हुए पाइपिंग करते जाना है। यहाँ पर मैंने सारे कोट को लेते हुए पाइपिंग कर लिया है। उसके बाद देखिए, एक बार हमें ऊपर से लेना है, एक बार हमें नीचे से लेना है। ऐसे ही हमें 4 बार इसी तरह से पाइपिंग करना है।
अब देखिए यहाँ पर डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें एक एक कोट से पाइपिंग करके हमें उस कोट को छोड़ते हुए जाना है। देखिए यहाँ पर पाइपिंग होने के बाद फिर हमें एक एक कोट को छोड़ देना है। ऐसे ही हमें लास्ट एक कोट तक छोड़ते हुए कोट को जाना है। वहाँ पर हमने एक एक कोट को लेते हुए पाइपिंग किया था, अब यहाँ पर हमें छोड़ते हुए जाना है। अब देखिए सारा डिजाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमारा एक कोट लास्ट वाला है, उसमें हमें ऊपर जो हमने चार डिजाइन बनाए हैं पाइपिंग किया है उसमें हमें डालना है। देखिए इस तरह से डालने के बाद डिजाइन इस तरह से कंप्लीट होगा। उसके बाद हमें फिर ऊपर का कोट नीचे लेते हुए पाइपिंग करना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा कोट लेते हुए हमें फिर से पाइपिंग करना है। अब यहाँ पर पाइपिंग होने के बाद ऊपर का कोट लेकर फिर हमें पाइपिंग करना है। अब फिर से हमें एक कोट को लेते हुए तीन कोट से पाइपिंग करना है। देखिए यहाँ पर सारी कोट कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिर से हमें एक कोट लेते हुए चार कोट से पाइपिंग करना है। यहाँ पर ऐसे ही हमें पूरा डिजाइन इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट ऊपर का कोट हमें उसमें मोती डालकर फिर पाइपिंग करना है। ऐसे ही हमें डिज़ाइन कंप्लीट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो छूट गया है तो इसका मैं वीडियो फिर से बनाकर डाल दूँगी।
अब देखिए यहाँ पर 8 इंच का रिंग लिया है, इसमें हमें सारे कोड इसी तरह से अटैच करना है। सारे कोड को हम इसी तरह से रिंग में डालेंगे। अब देखिए सारे कोड डालने के बाद हमें यहाँ पर फिर से 4-4 कोड को अलग करना है और उसमें हमें 2 क्रीम कलर के कोड को अटैच करना है इसमें। हमें दोनों साइड ऐसे ही कोड अटैच करना है, पाइपिंग करते हुए कोड को डालना है। यहाँ पर देखिए 4 ब्लू और 4 क्रीम कलर के कोड लिए हैं मैंने। दोनों साइड ऐसे ही 4-4 कोड लेना है और हमें 8 कोड से पाइपिंग करना है। 4 ब्लू और 4 क्रीम कलर के कोड से हमें पाइपिंग करना है। सबसे पहले फर्स्ट कोड लेते हुए एक कोड को 2 बार पाइपिंग करना है। देखिए यहाँ पर पाइपिंग होने के बाद आप देखिए नीचे से फर्स्ट कोड लेकर हमें फिर से वही प्रोसेस करना है। सारे कोड से हमें पाइपिंग करना है, ऐसे ही हमें लास्ट कोड तक पाइपिंग करना है और एक डिजाइन तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट कोड तक पाइपिंग कर लिया है। अब देखिए फर्स्ट कोड हमें नीचे का लेकर जो बचा है उसे हमें फिर से राउंड टर्न करके सेम प्रोसेस करना है। सारे कोड से हमें पाइपिंग करना है। फ्रेंड्स मेरा ये मिरर डिज़ाइन का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक करना। फ्रेंड्स मेरा ऊपर का डिज़ाइन का वीडियो छूट गया है तो मैं फिर से वो वीडियो बनाकर डाल दूँगी। फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करना और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना।
अब देखिए यहाँ पर लास्ट कोट हमें इसी तरह से पाइपिंग कर, अब सारे कोट को हमें रिंग के नीचे से निकाल कर फिर हमें रिंग में कवर करना है सारे कोट को। ऐसे ही हमने सारे कोट को रिंग में कवर कर लिया है। अब देखिए हमें सबसे पहले फिर से रिंग के बाहर हमें ऊपर का फर्स्ट कोट क्रीम कलर का लेते हुए फिर से सारे कोट से पाइपिंग करना है। जैसे हमने ऊपर से ब्लू कलर से पाइपिंग किया था सेम वैसे ही डिज़ाइन को हमें कंप्लीट करना है लास्ट कोट तक। सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर और फाइव, इसी तरह से हमें डिज़ाइन को पांच बार कंप्लीट करना है पाइपिंग करते हुए। और ऐसे ही डिज़ाइन को हमें बनाकर पूरे मिरर डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर मिरर डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पीछे से जो कोट हमने छोड़े थे उसको हमें एक रिंग में अटैच करना है फिर से और मिरर को सेट करना है यहाँ पर। ऐसे ही हमें यहाँ पर और नीचे दोनों साइड इसी तरह से कोट को अटैच करना है और मिरर को सेट करना है यहाँ पर। यहाँ पर कोट कंप्लीट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमने पांच नॉट लगाया है सिंपल नॉट। उसके बाद अब हमें प्लास्टिक का एक स्टिक लेकर यहाँ पर इस तरह से कोट को हमें डालना है। सारे कोट को हम इसी तरह से डालते जाएंगे
देखिए यहाँ पर मैंने सारे कोट को डाल लिया है। अब उसके बाद देखिए चार चार कोट को लेते हुए हमें फिर से सिंपल सा नॉट लगाना है। सारे कोट में हमें इसी तरह से नॉट लगाना है। देखिए यहाँ पर लगा लिया है नॉट। उसके बाद बीच के हमें चार कोट को लेते हुए फिर से नॉट लगाना है। दो नॉट्स के बीच में फिर से एक नॉट लगाना है। अब हमें यहाँ पर देखिए दो कोट को लेते हुए ग्रीन कलर का छोटा मटका बिट्स डालना है। यहाँ पर मैंने 6 ग्रीन कलर के बीट्स डाले हैं, फिर 5, फिर 4, फिर यहाँ पर 3 डाले हैं, फिर यहाँ पर नीचे 2 डाले हैं। ऐसे ही हमें डिज़ाइन को कंप्लीट करना है और फिर लास्ट में एक बीट्स डालकर फिर हमें 2 कोट से पाइपिंग करना है। देखिए ऊपर का फर्स्ट कोट लेकर हमें पाइपिंग करना है ग्रीन मोती तक। देखिए दोनों साइड पाइपिंग करने के बाद फिर हमें दोनों कोट से हमें पाइपिंग करना है और फिर से हमें फर्स्ट ऊपर का कोट लेते हुए पाइपिंग करना है दोनों साइड से। अब देखिए यहाँ पर एक क्रीम कलर का कोट लेकर फिर हमें क्रीम कलर की कोट से पाइपिंग करना है दो बार। ऐसे ही हमें दोनों साइड कोट को पाइपिंग करना है। एक एक कोट को लेते हुए पाइपिंग करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ग्रीन कलर का मोती डालकर फिर से यहाँ पर पाइपिंग स्टार्ट किया है। यहाँ पर फिर से पाइपिंग करने के बाद ऊपर जिस तरह से पाइपिंग किया है ऐसे करने के बाद फिर हमें कट करके बेल्ट्स लगाना है। आप अपनी चॉइस अनुसार बेल्ट्स लगाएं। Thank you.
कैसा लगा मेरा मिरर का डिजाइन प्लीज जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक करना, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।